मुझे नहीं पता कि अभी तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारा कितना नीट का सिलेबस बचा हुआ है, तुमने कितना कंप्लीट किया है। बट मुझे एक चीज जरूर पता है कि अगर तुम्हारे अंदर फुल डेडिकेशन है ना नीट एग्जाम को क्रैक करने का, नीट 2024 को क्रैक करके मेडिकल कॉलेज में आने का, तो अगर तुम्हारा 100% भी सिलेबस अभी बचा हुआ है ना, अगर तुम अभी से अपनी नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, तुम नीट एग्जाम क्रैक कर सकते हो, तुम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, मार्क माई वर्ड्स। तो मैंने भी जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था ना तो मेरे पास गिन के 5-6 महीने थे, ठीक है। और तुम अगर ड्रॉपर स्टूडेंट हो और ये वीडियो देख रहे हो तो मैं तुम्हारे सामने जीता जाता एग्जांपल हूँ जिसने सिर्फ 5-6 महीने में घिस के मेहनत की है एंड आज मैं एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही हूँ। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज शालिनी राज एंड करेंटली आई एम MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सेवा। वीडियो के थंबनेल से तुम समझ गए होंगे कि मैं इस वीडियो में अपना जो टाइम टेबल है लास्ट 5 महीने का वो तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ। मैं तुम्हें ये बोलूंगी कि तुम इसको एकदम से डिट्टो कॉपी मत करने लगना, क्योंकि सबका अलग होता है, अपनी पढ़ाई का जो तरीका होता है वो अलग होता है, लेकिन तुम्हें यहाँ से एक आइडिया जरूर मिलेगा। अगर तुम अभी जीरो पे हो और ये टाइम टेबल फॉलो करते हो और तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो तो तुम नीट में जरूर सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक। देखो, तुम 5 महीने में नीट क्रैक करने के लिए निकले हो तो तुम्हें अपनी जो पढ़ाई है वो बहुत ही ध्यान से करनी होगी, मतलब तुम्हें NCERT बेस्ड पढ़ाई रखनी होगी। ऐसा नहीं करना है कि आउट ऑफ NCERT चीजें पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इस चीज को तुम्हें बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पास टाइम कम है, तो तुम्हें पॉइंट टू पॉइंट चीजें पढ़नी, NCERT बेस्ड तुमको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तुमको अभी 5 महीने में नीट क्रैक करने के लिए कोई ना कोई बैच तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा जो कि प्रॉपर NCERT बेस्ड पढ़ाई करा रहा हो, ठीक है। तो तुमको बैच ज्वाइन कर लेना है जहां भी तुम्हें लगता हो कि NCERT बेस्ड सही तरीके से पढ़ाई हो रही है, एंड इसके साथ साथ तुमको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है वो फुल्ली NCERT बेस्ड होना ही चाहिए अगर तुम्हारा नीट में सिलेक्शन तुम्हें चाहिए। तो इसके लिए मैं अपनी तरफ से तुम्हें बताऊंगी कि नीट एसेंशियल ऐप जो है वो अभी तुम्हारे लिए बेस्ट ऐप रहेगा NCERT बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, वो चाहे बायोलॉजी का हो, फिजिक्स का हो या फिर केमिस्ट्री का, तीनों सब्जेक्ट के तुम्हें NCERT बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, NCERT के लाइन से क्वेश्चन मिलेंगे, एंड इवन तुमको यहाँ पे NCERT पेजेस के फिल्टर मिल जाएंगे। जैसे कि मान लो कि तुमने बायोलॉजी के आज 5 पेजेस पढ़े हैं एंड उन 5 पेजेस के तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो कि उन 5 पेजेस के कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो नीट एग्जाम में आ सकते हैं, तो तुम्हें नीट एसेंशियल ऐप पे आना है। यहाँ पे तुम्हें मिलेगा नीट अभ्यास बैच एंड इस बैच में तुमको पेजेस वाइज फिल्टर मिल जाएगा एंड यहाँ से तुम NCERT के सारे पेज के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड इसके साथ साथ ही तुम्हें यहाँ पे मिलेगा PYQ मार्क्ड NCERT, तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के वो सारे NCERT के लाइन जहां से भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है वहां पे हर पेज में उस लाइन को हाईलाइट किया गया है जहां से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखे है, एंड उस लाइन पे टैप करते ही वो क्वेश्चन भी वहां पे स्क्रीन पे तुम्हारे आ जाएगा। तुम खुद से वहां पे ट्राई कर सकते हो, अगर तुमसे नहीं सॉल्व हो पाता है तो तुमको वहां पे वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा उसका। तो है ना अमेजिंग फीचर, मतलब तुम्हारा NCERT के सारे क्वेश्चन भी यहाँ पे कवर हो रहा है एंड इसके साथ साथ तुमको PYQ क्वेश्चन भी कवर कराया जा रहा है एंड इवन तुमको NCERT के लाइंस को हाईलाइट करके बताया जा रहा है कि कहां से PYQ आ रखे है। इतना अमेजिंग तुमको कहीं नहीं मिलेगा। तुम जाओ एक बार नीट एसेंशियल ऐप डाउनलोड करो एंड यहाँ पे तुम अभ्यास बैच में जाओ एंड ये सारे फीचर्स तुमको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एक बार यूज के देखो यार, मैंने खुद पर्सनली देखा है, बहुत ही अमेजिंग ऐप है। मतलब PYQ करना कितना ज्यादा जरूरी होता है एंड PYQ के ट्रेंड पे कितने सारे क्वेश्चन आते हैं, तो अगर तुम इस ट्रेंड को समझ पाओ, PYQ को अच्छे से कंप्लीट कर पाओ तो आधी प्रिपरेशन तुम्हारी यही से हो जाती है। तो इस बैच को एक बार लेके देखो एंड मैं तुम्हें बता दूं यहाँ पे 3 डेज नो क्वेश्चन आस्क्ड पॉलिसी है, मतलब इस ऐप को तुम लेके 3 दिन तक यूज कर सकते हो। अगर तुम्हें लगे कि नहीं यार मेरे लिए उतना ज्यादा हेल्पफुल नहीं हो रहा है तो 3 दिन के अंदर तुम्हारा पूरा का पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा। सो एक बार मेरे कहने पर तुम एक बार चेकआउट जरूर करना, मैंने सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। मैं तुम्हें बता दूं मैं अर्ली राइजर्स में से नहीं हूं, मैं रात को देर तक पढ़ सकती हूँ एंड मैं सुबह लेट उठती थी एंड रात को देर तक पढ़ती थी, ठीक है। तो मेरा जो टाइम टेबल स्टार्ट होता था वो सुबह के 9 बजे से स्टार्ट होता था, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ये एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि सुबह अगर तुम जब भी उठो, जब भी मतलब 9 बजे उठो, 8 बजे उठो या फिर 5 बजे उठो, कभी जब भी उठो ना, तो तुम्हें
उठने के साथ ही ना बेड पे ही एक मॉर्निंग प्रेयर करना है, मैंने पहले भी काफी सारे वीडियो में ये बताया है, एंड अपने गॉड को याद करना है एंड एक बार उनसे ब्लेसिंग जरूर लेनी है, उसके बाद ही तुम्हें अपने दिन की शुरुआत करनी है, ठीक है। तो उसके बाद तुम्हें मेडिटेशन जरूर करना है, जो मैं करती थी, जो मैंने अपने फर्स्ट सेकेंड ड्रॉप में बिल्कुल भी नहीं किया था, एंड मैंने थर्ड ड्रॉप में मेडिटेशन, योगा, ये सब चीजें अपनी डेली हैबिट्स में शामिल की हुई थी, जिसका मुझे इतना हेल्प मिला है, आई कांट डिस्क्राइब इन द वर्ड्स कि मुझे कितना ज्यादा इसका हेल्प मिला। 15-20 मिनट ही दो इसको, लेकिन डेली अपने टाइम टेबल में इसको रखो, ठीक है। तो ये सब चीजें मैं करती थी एंड उसके बाद मैं बाथ लेके पढ़ने बैठती थी, ठीक है। अगर मैं 9 बजे उठी तो ठीक है, 10 बजे से पढ़ाई स्टार्ट होती थी, 8 बजे उठी तो 9 बजे से, मतलब मैक्स टू मैक्स 1-1.5 घंटे लगते थे ये सारी चीजें करने में, एंड मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा तुम्हें भी लगेगी, ठीक है। तो 10 बजे से अगर पढ़ने बैठी, जो स्टार्टिंग का स्लॉट होता था, जैसे मैं पढ़ने बैठी तो उस टाइम पे मैं याद करने वाली चीजें पढ़ती थी, क्योंकि उस टाइम जब हम पढ़ने बैठते हैं ना तो हमारा माइंड एकदम फ्रेश रहता है, फ्रेश होके एकदम हम बैठते हैं तो चीजें जल्दी हम ग्रैब कर पाते हैं। तो तुम भी कोशिश करना कि याद करने वाली चीजें स्लॉट में पढ़ो, जैसे कि सुबह वाले स्लॉट में जब तुम पढ़ने बैठो तो जैसे मैं इनऑर्गेनिक पढ़ लेती थी सुबह में, बायो पढ़ लेती थी, जो भी मेमोराइज करने वाली चीजें है, फॉर्मूला सीट रिवाइज कर लेना फिजिक्स का, फिजिकल केमिस्ट्री का, ये सब चीजें मैं जैसे 1-1.5 घंटे या फिर 2 घंटे मैक्स टू मैक्स मैं रिविजन पे देती थी सुबह में ही, जो भी चीज मैं याद करना चाहती थी, इनऑर्गेनिक का कोई चैप्टर हो गया, जो भी याद करने वाली चीजें हैं। उसके बाद ना मैं अपना ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करती थी। ऑनलाइन लेक्चर्स तो ऐसे 9 बजे से स्टार्ट हो जाते थे, लेकिन मैं थोड़ा मैं कभी भी लाइव लेक्चर नहीं देखती थी, एंड मैं तुमको भी सजेस्ट करूंगी कि लाइव लेक्चर देखने की कोई भी जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा समय लग जाता है, तो लाइव मत देखो, रिकॉर्डेड लेक्चर ही देखा करो, ताकि तुम अपने अकॉर्डिंग उसको स्पीड अप कर पाओ, क्योंकि मैं जनरली 2x स्पीड पे ही देखती थी, क्योंकि अगर तुम ड्रॉपर हो तो तुमने हर चीज को एक बार पढ़ रखा है, तो जरूरी नहीं है कि तुम हर चीज को डिटेल में देखो, डिटेल में उसी टॉपिक को देखो जहां पे तुमको लगता है कि तुम वीक हो और तुमको उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद लेक्चर स्टार्ट करती थी, मैं तुम्हें बताऊं तो मैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लेक्चर्स मेनली देखा करती थी, बायोलॉजी के बहुत कम चैप्टर्स के लेक्चर्स मैंने देखे हैं खुद के, क्योंकि ना बायोलॉजी मेरा काफी ज्यादा अच्छा हो गया था एंड पिछले अटेम्प्ट में मेरे 351 मार्क्स भी आए थे आउट ऑफ 360, तो बायोलॉजी के मैंने बस जेनेटिक्स वाले चैप्टर, जो कि थोड़े टेक्निकल चैप्टर है, उन्हीं चैप्टर्स के मैंने बस वीडियो लेक्चर्स देखे हैं। तो उसके बाद मैं वीडियो लेक्चर देखना स्टार्ट करती थी एंड मेरे को ज्यादा से ज्यादा 5-5 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे लगते थे वीडियो लेक्चर्स को कंप्लीट करने में, एंड उसके बीच में ही लंच हो जाया करता था, एंड अगर मानो कि शाम के 5 बजे तक मेरा वीडियो लेक्चर देख के हो जाया करता था डेली, 5-5:30 या कभी ज्यादा लंबा चला बायो भी देख रही हूँ तो 6 बजता था ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो पूरे दिन का क्या हुआ, स्टार्टिंग वाला जो फेज है जब तुम पढ़ने बैठो तो तुमको याद करने वाली चीजें, जो भी रिवाइज करना है, जो भी याद करना है वो वाली चीज तुम रिवाइज कर लो, उसके बाद का जो दिन का टाइम है उसमें तुम अपने वीडियो लेक्चर्स को देख लो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लॉट जो होगा थर्ड स्लॉट शाम को एंड रात को, जो क्योंकि मैं रात देर रात तक पढ़ती थी, तो शाम को थोड़ा 1 घंटे अपने आप को थोड़ा दूसरी चीजों में एंगेज करने की कोशिश करो, ताकि तुम्हारा माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो पाए एंड फिर से एक नेक्स्ट स्लॉट के लिए तो अपने आप को प्रिपेयर कर सको। तो शाम को ऐसे मैं 1/2 घंटे कभी फोन देख लिया या फिर कभी बाहर चली गई या फिर घर पे बात कर लिया, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहती थी तो मैं ये बोलूंगी हॉस्टलर्स को तो ऐसे मोस्टली घर पे बात करना ही होता है, तो तुम घर पे ही बात कर सकते हो, ठीक है। तो घर पे बात करके एंड फिर 7 बजे से पढ़ने बैठ गया, 7 से 9 पढ़ लिया 2 घंटे, एंड इस टाइम पे मैं डीपीपी क्वेश्चन सॉल्व करती थी या पीवाईक्यू के क्वेश्चन सॉल्व कर लेती थी, ठीक है। तो 9 बजे तक मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी 2 घंटे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, 9 बजे मैं डिनर कर लेती थी, उसके बाद डिनर हो गया 9 से 10 एंड 10 बजे फिर से मैं बैठती थी पढ़ने के लिए। 10 बजे से लेके मेरा 2 बजे तक की पढ़ाई चलती थी उस टाइम पे, ये फोर्थ स्लॉट है, ठीक है। तो 10 बजे से 2 बजे तक मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करना या फिर कुछ चीजें रिवाइज करना, शॉर्ट नोट्स बनाना, ये सारी चीजें मैं उसी टाइम में करती थी। देखो शॉर्ट नोट्स बनाना मेरे लिए, मेरे को शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत पसंद था, और मेरे को ऐसा लगता है कि ये चीज शॉर्ट नोट्स बनाते टाइम ना मेरे को ऐसा लगता था कि ये इसको मैं बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ, तो ये थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करने में भी मेरे को हेल्पफुल रहता था। तो मैं जब बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन बना के याद करके थक जाया करती थी ना, तो मैं शॉर्ट नोट्स बनाती थी, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए तुमको अपना नोट्स खोलना है एंड वहां से तुमको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जो भी तुमको फॉर्मूला लग रहा है, जो भी तुमको इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है कि क्वेश्चन में आ सकता है, एग्जाम में आ सकता है,
तो वही सब चीजें तुमको नोट डाउन करने रहती थी, देख के नोट डाउन करना है, तो मैं उसको एंजॉय करती थी। तो ऐसा रहता था कि जैसे कि एक से दो रात को मैं शॉर्ट नोट्स बना लेती थी किसी चैप्टर के, जो भी चैप्टर कंप्लीट हुआ, तो ये ऐसा रहता था मेरा। अगर तुम इतने घंटे पढ़ाई करने के लिए रेडी हो तो तुम्हारा अभी से भी सिलेक्शन हो सकता है 5 महीने में, फॉर श्योर मैं तुम्हें गारंटी के साथ बोल रही हूँ। बट अगर तुम मेहनत ही नहीं करना चाहते, अगर तुम इसके पीछे, और बोलते हैं ना तुमको अगर सही में सिलेक्शन चाहिए तो इसके पीछे तुम्हें पागल होना पड़ेगा, तुमको थोड़ा पागलपन दिखाना पड़ेगा। देखो मेरा ऐसा था कि मेरे को नीट के अलावा कुछ नहीं दिखता था, मेरा खुद का थर्ड ड्रॉप हो चुका था। एंड ऐसा नहीं था कि थोड़ा भी इंटरेस्ट कम हो गया हो कि यार इतना ज़्यादा ड्रॉप हो गया तो छोड़ देते, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मैं हमेशा ये सोचती थी कि मुझे MBBS करना है, मुझे MBBS किसी हाल में भी चाहिए एंड मैं कर सकती हूँ। सेल्फ बिलीव बहुत ही बड़ा चीज़ है यार, तुमको खुद पर विश्वास करना होगा। अगर तुम खुद पे ही विश्वास नहीं करोगे तो बाकी लोग तुम पे कैसे विश्वास करेगा। तो इसलिए जरूरी है कि अपने आप पे भरोसा रखो एंड एक स्ट्रॉन्ग विल पावर अपने अंदर रखो कि लाइक मुझे करना है, मुझे इसको कैसे भी पाना है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम करोगे तो सिर्फ तुम्हें ही खुशी नहीं मिलेगी, तुम्हें तुम्हारी पूरी फैमिली, तुम अपने पेरेंट्स के बारे में एक बार सोच के देखना कितना प्राउड वो फील करेंगे जब उनको कोई बोलेगा कि लाइक इनकी बेटी ही नीट में सिलेक्ट हुई है, इनके बेटे का नीट में सिलेक्शन हुआ है, इनका बेटा डॉक्टर बनने जा रहा है, इनकी बेटी डॉक्टर बनने जा रही है, तो कितना प्राउड उनको फील होगा। तो ये सब चीजें याद करो यार, इसको रिकॉल करो, इसको हमेशा अपने माइंड में रखो। इन सब चीजों को तुम सोचोगे ना, एंड पता है ड्रीम सिर्फ देखने से नहीं होगा, उस ड्रीम को डेली अपने अंदर जगा के रखना है एंड उस ड्रीम को डेली अपने अंदर जीना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा ऐसा सोचती थी कि लाइक मैं अगर नीट क्रैक करती हूँ तो मेरे पूरी फैमिली, पेरेंट्स के बारे में लोगों का जो सोचने का तरीका है, जो नजरिया है, वो चेंज होगा। तो इन सब चीजों के बारे में सोचो यार, ये बहुत ही माइन्यूट चीजें हैं। अगर तुम इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचोगे, तुम अगर अपने पेरेंट्स के सेक्रीफाइसेस नहीं देखोगे, उनकी खुशियों के बारे में नहीं सोचोगे, तो कौन सोचेगा? क्योंकि वो तुम्हारे लिए इतना सोच रहे हैं, खुद वो कमी में जी रहे हैं ताकि तुमको हर एक चीज अफोर्ड करा पाए जिससे तुम्हारा नीट में सिलेक्शन हो जाए। तो सोचो यार, तुम नहीं सोचोगे तो कौन ही सोचेगा। तो यही सब चीजें हैं एंड मेरा यही टाइम टेबल था एंड मैं इसको ऐसा नहीं बोलूंगी मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करती थी, लेकिन मैं कोशिश करती थी कि मैं इसको डेली के डेली फॉलो कर पाऊँ। थोड़ा ऊपर नीचे तो हो जाया करता है, किसी का भी नहीं होता, टॉप पर स्टूडेंट हो या फिर एवरेज, सबका ऊपर नीचे होते रहता है। तो तुम भी कर सकते हो, अगर तुम 14-15 आवर डेली स्टडी करने के लिए रेडी हो अभी से भी, तो तुम नीट 5 महीने में आराम से क्रैक कर पाओगे। रिविजन एंड कंसिस्टेंसी, ये दो चीजें लगेंगी तुमको ये 5 महीने में नीट क्रैक करने के लिए, बाकी और कुछ नहीं है। अगर कभी भी डिमोटिवेट हो जाओ ना, तो अपने पेरेंट्स के बारे में याद करो, अपने फ्यूचर के बारे में याद करो कि कितना अच्छा लगेगा जब तुम नीट क्रैक करके, जब तुम व्हाइट अपरन पहनोगे, तुमको स्टेथोस्कोप मिलेगा, ये सब चीजें इमेजिन करके देखना तुमको कितनी ज्यादा खुशी होगी एंड अपने अंदर से तुमको मोटिवेशन मिलेगा, किसी भी आउटर मोटिवेशन की तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी। सो यू कैन डू इट, बस अपने अंदर विश्वास रखो एंड स्ट्रांग विल पावर के साथ आगे बढ़ते जाओ। एंड कुछ भी लगे, कुछ भी तुम पूछना चाहते होगे, और पार्शियल ड्रॉप पे मैं जल्दी वीडियो बनाने वाली हूँ कि पार्शियल ड्रॉप, क्योंकि मैंने खुद पार्शियल ड्रॉप लिया है 2 साल एंड उसी के साथ मेरा नीट में सिलेक्शन हुआ है। तो जो पार्सल ड्रॉप वाले स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा सा वेट करें, मैं जल्दी उनके लिए वीडियो बनाने वाली हूँ। सो आई होप कि तुमको समझ आया होगा कि लाइक तुम कर सकते हो यार, 5 महीने इज मोर देन सफिशियंट। मैंने खुद किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया है, तो कुछ भी ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ भी डालीमा में रहने की जरूरत नहीं है कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तुम कर सकते हो, बस लग जाओ, बस लग जाओ। सो विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से लग जाओ प्रिपरेशन में एंड कुछ भी हेल्प लगे ना तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।